हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृता और एक बार फिर से स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम ये टॉप बनाएंगे, ये टी शर्ट के ऊपर पहनने के काम आएगा। आगे पीछे दोनों साइड से फोटो में आप देख भी सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसे। ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बता देती हूँ मैं। लंबाई है 44 इंच और चौड़ाई है 23 इंच। अभी ये डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इस पे यहाँ 15 इंच पे निशान लगा के कट कर लेंगे। बाकी बचा कपड़ा बाद में काम में आ जाएगा। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। लाइन को ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ एक कर्व बनाएंगे। अब यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसको आगे तक लाइन खींचकर मिला देंगे। अब यहाँ इसके नीचे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको नीचे तक लाइन खींच देंगे। फिर एक कर्व बना देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग हो गई है। ये 2 पार्ट है। अब पीछे के पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। यहां से 12 इंच पे निशान लगा के कट कर लेंगे। इसके ऊपर रख के एक बार और कट कर लेंगे। ये हो गया है पीछे का पार्ट। अब स्ट्रिप कट कर लेते हैं। ये बचे हुए कपड़े को बीच में से कट कर देंगे। 23 इंच इसकी लंबाई और 5.5 इंच चौड़ाई। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ से ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक साइड से बंद कर देंगे और एक साइड से खुला रखेंगे। अब पत्तियों की डिजाइन के लिए कपड़ा कट करेंगे। मेरे पास ये रेड कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड में रखा है। इसमें पत्ती का शेप ड्रॉ कर लेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट पार्ट में पत्तियों के शेप की डिजाइन बनाई है। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह से 4 पार्ट कट कर लेंगे। ये देखिए डबल डबल 4 पत्तियां कट कर ली है। इनके ऊपर इस तरह से किनारों में सिलाई लगा लेंगे। पत्तियों के चारों ओर सिलाई हो गई है। अब इनको सीधा कर लेंगे और इनको आगे से थोड़ा सलवट डाल के सिलाई से बंद कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे यहाँ इनको रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर ये दूसरा वाला पार्ट रखेंगे, इसे उल्टा रखेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट का ही हिस्सा है, हमने डबल कपड़ा कट किया था। यहाँ ऊपर से सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि राउंड में सेट हो जाए। अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये डिजाइन लग गई है अच्छे से। ये अच्छे से सेट हो जाए इसलिए आगे से भी एक सिलाई और लगा देंगे। अब इसको उल्टा करके बाजू की सिलाई कर लेंगे। शोल्डर की जगह इसे खुला ही रखेंगे ताकि स्ट्रिप्स लगा सके। अभी स्ट्रिप्स का कपड़ा कट किया था, इसे फोल्ड करके ऊपर से सिलाई कर देंगे।
इसको एक साइड से खुला रखेंगे। अब इनको सुई की सहायता से सीधा कर लेंगे। एक सिलाई और लगा देंगे इसमें। अब स्ट्रिप्स को शोल्डर वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर देंगे। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तो शोल्डर का हिस्सा खुला रखा था, उसको जॉइंट कर देंगे। अब पीछे का स्कर्ट वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए दो कपड़े कट किए थे। इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर इलास्टिक जितना एक फोल्ड और करके सिलाई लगा देंगे। अब ये दूसरा कपड़ा है, इसको इसके ऊपर रख के बराबर कट कर लेंगे। फिर सुई की सहायता से इलास्टिक डाल लेंगे। यहाँ एंड पे भी सिलाई लगा देंगे। अब ये जो दूसरा कपड़ा कट किया था ये फ्रंट में स्कर्ट के लिए लगेगा। इसमें इस तरह से सलवट डाल लेंगे। इसको लिमिटेड माप में ही रखेंगे ताकि ये ऊपर फ्रंट पार्ट के साथ बराबर में जॉइंट हो जाए। फिर इसको सिलाई करके जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये एकदम बराबर में अटैच हो गया है। अब मेरे पास ये रेड कपड़ा है, इसका बेल्ट स्ट्रिप बना लेंगे। करीब 20x5 इंच का है ये। इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। फिर इसको यहाँ बीच में भी सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। दूसरी साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट लग गया है। अब यहाँ से साइड्स की सिलाई भी कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड भी कर लेंगे।
ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। इस पे ये बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से उल्टा और साइड में सिलाई लगा देंगे। आप सीधा कर लेंगे। और नीचे बॉटम में भी फोल्डिंग करके सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। अब मेरे पास ये 20x6 इंच के दो कपड़े हैं, इससे हम बटरफ्लाई बनाएंगे। एक दूसरे पर रख के चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। थोड़ा खुला रखेंगे ताकि सीधा कर सके। अब सीधा कर लेंगे। अब खुले पार्ट को बंद कर देंगे। फिर इस तरह से इसमें सलवट डाल लेंगे, सुई धागे से मिला देंगे इनको। फिर ये रेड स्ट्रिप है जो छोटी सी मेरे पास, इसको यहाँ चारों तरफ लपेट लेंगे सुई धागे की हेल्प से, अच्छे से इसे सेट कर देंगे। अब बैक साइड में दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से रखेंगे। इन दोनों के बीच में यहाँ पे सुई धागे की सहायता से बटरफ्लाई स्टिच कर देंगे। ये ब्यूटीफुल डिजाइन लग गई है, ये बटरफ्लाई डिजाइन लग गई है। अब फ्रंट साइड में भी यहाँ पत्तियों पे मोती लगा लेंगे। टॉप बन के तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारा लग रहा है। ये टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये टी शर्ट के साथ कुछ ऐसा लगेगा। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।